हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हो क्रोमा टेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट पिक्सल प्लस यूआई के सेकंड अपडेट के बारे में, विच इज 3.9 इंटरनल अपडेट रेडमी K20 प्रो के ऊपर। और ये सेकंड अपडेट आ चुका है K20 प्रो के लिए इस अमेजिंग सी रोम का। और ये जो रोम है ना, ये काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड आपको देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पे पिक्सल गुडीज को एंजॉय करना चाहते हो ना, ट्रूली पिक्सल एक्सपीरियंस का मजा लेना चाहते हो, इस रोम को जरूर से ट्राई करना। एंड सभी चीजें आपको मैं इस अपडेट के रिगार्डिंग भी यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले देखोगे तो यह है 3.9 अपडेट इटर्नल और एंड्रॉइड 11 के साथ सितंबर का अपडेट आपको मिलता है। तो ऑब्वियसली जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो आपको सितंबर का मिलेगा। एंड जो गूगल प्ले सिस्टम अपडेट है वो अगस्त 1, 2021 से अपडेटेड है। उसके बाद जो कर्नल यहाँ पे यूज किया है वो आपको एज ऑलवेज यहाँ पे जो है सोवी द स्टार देखने को मिलता है। आप इस रोम को एंड्रॉइड 10 के साथ यहाँ पे फ्लैश कर सकते हो, एंड्रॉइड 10 का फर्मवेयर आप फ्लैश कर सकते हो और ओएसएस वेंडर इंक्लूडेड है इस रोम के अंदर, तो ये काफी अच्छी बात है। नाउ अभी इस रोम का फुल रिव्यू स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को जरूर से लाइक कर दिया करो यार, ताकि मेरे को ऐसे मोटिवेशन मिले ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रोम है ना, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है इन टर्म्स ऑफ इसकी स्मूथनेस। अगर आप ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड देखोगे ना तो लिटरली काफी ज्यादा फास्ट है। एनिमेशन आपको काफी ज्यादा स्मूथ देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड जब आप ऐप ओपन क्लोज यहाँ पे करते हो ना तो आपको एक स्टेबिलिटी यहाँ पे फील होती है। एंड ये रोम डेफिनेटली अभी स्टेबल आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप बैटरी के लिए भी यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे पिक्सल लॉन्चर मिल जाता है, गूगल एप्स आपके इंक्लूडेड रहते हैं, लेफ्ट साइड में गूगल कार्ड्स का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। नाउ अब बात है इसके मेन फीचर्स के ऊपर। सबसे पहले थर्मल प्रोफाइल्स आपको मिल जाती है जिनको आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। एंड कस्टम डिस्प्ले सेटिंग्स मिलती हैं जिसके अंदर डीसी डिमिंग एंड हाई ब्राइटनेस मोड आप एंजॉय कर सकते हो। देन जस्टिस की बात करेंगे, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट वर्किंग है एंड यहां पे काफी ज्यादा आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें सिस्टम नेविगेशन की तो हैप्टिक फीडबैक, जेस्चर बार लेंथ, जेस्चर बार रेडियस को आप कम ज्यादा कर सकते हो। एंड इसके जो फर्स्ट अपडेट थे ना उसके अंदर भी एक आपको फीचर मिला था जो कि था एक एंड्रॉइड 12 से इंस्पायर्ड बम्प एनिमेशन, जो कि आप यहां पे देख सकते हो। तो ये आपको होल सेटिंग यूआई के अंदर देखने के लिए मिलता है जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। साउंड की बात करें, लाइव कैप्शन आपको टॉप में देखने को मिलता है और उसके बाद मी साउंड इनहेंसर आप यहां से इनेबल कर सकते हो। उसके बाद क्लियर स्पीकर, सभी चीजें ऑलमोस्ट यहां पे प्रेजेंट है आपके लिए। बैटरी की बात करें, सबसे पहले चार्जिंग स्पीड के अंदर मेरे को कोई दिक्कत वगैरह नहीं आई, काफी अच्छी आपको यहां पे स्पीड मिल जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें बैटरी बैकअप की तो 100% से मैं इसको चार्ज कराऊं 19 घंटे हो चुके हैं और स्क्रीन ऑन टाइम मेरे को मिला है 1 आवर 14 मिनट का, यानी कि मैंने 1 घंटा और 14 मिनट तक इसको यूज किया है स्क्रीन ऑन के साथ में। तो यहां पे आप देख सकते हो जो आपको बैटरी लाइफ मिलेगी ना वो भी काफी डिसेंट सी देखने को मिलेगी, ऑलमोस्ट 7 आवर के आसपास आपको यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम इजिली मिल जाएगा इस रोम के ऊपर। मैंने जो है बैटल ग्राउंड इंडिया खेला है, उसके बाद सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट और गीक बेंच 5 वगैरह भी मैंने यहाँ पे यूज किया था, तो उसकी वजह से जो बैटरी लाइफ है ना वो थोड़ी सी मेरे को कम मिली है। बट अगर आप नॉर्मल यूजर हो, गेमिंग नहीं करते, तो सोशल मीडिया वगैरह ही यहाँ पे यूज करते हो, तो ऑलमोस्ट 7 घंटे के आसपास आपको आराम से यहाँ पे जो है बैटरी लाइफ मिल जाएगी। बाकी डिपेंड करता है आपकी बैटरी हेल्थ कैसी है, तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। अभी लाइव डिस्प्ले के अंदर आपको रीडिंग मोड एंड कलर कैलिब्रेशन करने के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे और उसके बाद स्टाइल्स एंड वॉलपेपर के अंदर आपको यहाँ पे जो है पिक्सल प्लस यूआई की क्लॉक देखने के लिए मिलती है जिसको आप यहाँ पे लगा सकते हो। एंड कलर्स के अंदर सैचुरेटेड, नेचुरल, बूस्टेड, अडेप्टिव 4 आपको यहाँ पे टाइप्स ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाते हैं। टैप टू वेक वर्किंग है, स्टेटस बार के अंदर आइकॉन ट्यूनर और इनेबल ब्लर्स का ऑप्शन आपके लिए वो देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पे पिक्सेलाइजर के अंदर ट्रैफिक मॉनिटर, ये सभी चीजें सेम है, इसके अंदर कुछ भी चेंज आपको नहीं मिलता जो मैंने आपको प्रीवियस अपडेट के अंदर बताया था। गेमिंग मोड आपको मिल जाता है बट ये ओल्ड वाला ही देखने को मिलता है जो कि पहले AOSP रोम्स के अंदर था, अभी एक्सथम यूआई वाला इसके अंदर पोर्टेड आपको नहीं मिलता। नाउ अभी यहाँ पे बात कर लेंगे इस रोम के बैटरी बैकअप को, तो मैंने आपको चेक करवा दिया। अब यहाँ पे बात करेंगे बैंकिंग एप्स से रिलेटेड, तो आपका जो डिवाइस है ना यहाँ पे सर्टिफाइड मिलता है, विदाउट रूट आप बैंकिंग एप्स को यूज कर सकते हो। इवन आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको वाइडवाइन L1 यहाँ पे नहीं मिलता, वाइडवाइन L3 देखने को मिल जाएगा जो कि आप चेक कर सकते हो। सो ये आपको एक दिक्कत आ सकती है, बाकी ऐसे कोई मेजर आपको प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। आप जो है F2FS के अंदर इस रोम को काफी इजीली फ्लैश कर सकते हो, ये मैंने F2FS के अंदर ही अभी फ्लैश कर रखी है। इसके अंदर जो स्टॉक कैमरा है ये कुछ क्वालकम का ओल्ड जो है आप देख सकते हो कैमरा मिलता है, बट अगर आप Gcam ट्राई करना चाहते हो तो Gcam यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। ये काफी अच्छे से वर्किंग है, ऑलमोस्ट सभी मोड्स Gcam के अंदर आपके वर्क करते हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। सबसे पहले Geekbench 5 के स्कोर की बात करेंगे, क्योंकि ज्यादा कुछ इस रोम के अंदर वैसे मिलता नहीं, ज्यादा आप बोल सकते हो कि इसको स्टेबल किया जाता है। 742 के आसपास सिंगल कोर एंड जो मल्टीकोर स्कोर है वो 2508 का देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा है। नेक्स्ट आते हैं इसके सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ के ऊपर, जो कि मैंने ऑलमोस्ट 10 मिनट तक यहां पे रन किया था और देख सकते हो 91% तक आपको सीपीयू थ्रॉटल्ड मिलता है एंड जो एवरेज जीआईपीएस है ना वो 1,72,000 के आसपास है, मैक्सिमम आपको मिलता है 1,85,000 के आसपास, जो कि आप चेक कर सकते हो। एंड ये दोनों चीजें ना मैंने यहाँ पे सीपीयू जो आपके बैटरी थर्मल प्रोफाइल्स होती है ना उनको इनेबल करके ही यहाँ पे जो है रन किया था, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखना। बाकी नेक्स्ट अगर बात करें ना गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो लिटरली इस बार जो गेमिंग परफॉर्मेंस है ना वो काफी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है। अगर मैं आपको बोलना चाहूँ ना तो ये अभी के लिए ना Redmi K20 Pro के ऊपर बेस्ट रोम आपको मिल जाती है गेमिंग अगर आप करना चाहते हो। साइबेरिया के ऊपर मेरे को यहाँ पे उतनी अच्छी अभी जो लेटेस्ट अपडेट जिसका वीडियो मैंने कल डाला था उसके ऊपर उतनी खास ऑप्टिमाइजेशन नहीं मिली गेमिंग के रिगार्डिंग, उतना मजा नहीं आएगा। बट इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सभी चीजें मिल जाती हैं। आपको यहाँ पे जो टच रिस्पॉन्स है वो काफी अमेजिंग मिलता है, जो आप यहाँ पे मूव करते हो ना लेफ्ट साइड से जो रिएक्शन टाइम आपको मिलता है वो काफी फास्ट मिलता है एंड कोई टच रिस्पॉन्स वगैरह का इशू वगैरह आपको नहीं आएगा। एंड परफॉर्मेंस भी काफी कमाल किया है, यहाँ पे गेमिंग मोड मैंने इनेबल कर रखा है और उसके साथ यहाँ पे FPS मीटर आपको नहीं मिलता, बट ये होना चाहिए था सोर्स साइड से, तो वैसे मिलता है Redmi Note 7 Pro के अंदर था बट इसके अंदर आपको नहीं मिलता, तो आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। बट अगर आप अभी के लिए कोई रोम ट्राई करना चाहते हो ना स्पेशली गेमिंग के लिए, तो इसको कंसिडर कर लेना, ये आपको काफी ज्यादा जो है बेटर ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करती है एज कम्पेयर टू साइबेरिया प्रोजेक्ट। और यहाँ पे GF भी आके आपके यहाँ पे इंक्लूडेड है, प्लस पिक्सल एक्सपीरियंस का भी मजा आप ले सकते हो, तो ये सभी चीजों का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे इस रोम के अंदर मिल जाता है। आप इसको इस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।